हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं दैट इज़ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कैरी फॉस्टर ब्रिज वायर, है ना। सो कैरी फॉस्टर ब्रिज है क्या, ठीक है, इसमें हम क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखिए, ये एक आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज है, ठीक है। ये इसमें सिंपल एक हम 1 मीटर वायर लेते हैं, 1 मीटर लेंथ का, ओके। और ये हमारी एक एल्युमिनियम स्ट्रिप है जो सिंपली इन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ से हमने एक एंड से देखिए ये पावर सप्लाई दे दिया है, ओके। और एक एंड से यहाँ पे हम ये वायरिंग रेजिस्टेंस, इसे रियोस्टेट कहा जाता है, इसको हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक हमने की यूज़ कर दिया है। अगर हम पावर सप्लाई का एक टर्मिनल सीधे यहाँ से ले जाके इस एंड पे ऐड कर दें तो हमें इस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ओके। ये इसकी रेंज देख लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर ये दोनों तरफ मूव करता है, ठीक है। इसका रेंज 0 से 30 माइक्रो एम्पियर वेरी कर रहा है। और यहाँ से एक और वायर हमारे पास इस मेटल स्ट्रिप के थ्रू यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स में आया है। रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 0.1, 0.2 अप टू 5 ओम तक ये वेरी कर सकते हैं आपका। तो ये आपका सिंपल एक कैरी फॉस्टर का कंप्लीट सेटअप है। सो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि कैरी फॉस्टर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। आपने 12th में पढ़ा होगा इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज। एक व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस अगर इस फॉर्म में कनेक्टेड हैं, ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब अगर इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है P/Q = R/S, देन फिर ये हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये क्या बन जाएगा, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, ओके। सो हमारा कैरी फॉस्टर ब्रिज जो काम करता है वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम देखें, सो ये हमारा स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम है कैरी फॉस्टर ब्रिज का। ये हमने कनेक्शन इसी के अकॉर्डिंग कर रखे हैं, ठीक है। सो इसमें देखिए कि एक तरफ क्या है, ये कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर या एल्युमिनियम जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो कॉपर। ये नेगलिजिबल रेजिस्टेंस की एक स्ट्रिप होती है जो हमने ये यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, ओके। और दूसरे हैंड पे ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ओके। सो ये प्रैक्टिकल हम दो पार्ट में परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक एंड पे कॉपर स्ट्रिप और रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे, ओके। उससे जो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ये इस वायर का, ठीक है। फिर इस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के बाद वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट में। सो ये प्रैक्टिकल हमारा दो पार्ट में कंप्लीट होगा। सो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सो अगर इस दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी और इन टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। सो आइडियली अगर हम इसके अक्रॉस यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करें, चाहे वो पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर कनेक्ट करें या अमीटर या गैल्वेनोमीटर, तो उसमें क्या होगा, 0 रिफ्लेक्शन होगा, मतलब उसकी 0 रीडिंग हमें मिलेगी, ओके। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको जो है इस व्हीट स्टोन ब्रिज के बेसिस पे कैरी फॉस्टर ब्रिज को समझना चाहें तो ये हमारा 1 मीटर लेंथ का वायर है। इसको हम अगर 50 मीटर से डिवाइड करें तो ये हमारी एक जॉकी है। सो अगर हम इसको इस पॉइंट पे प्लेस करें, सो एक हैंड पे ये जो वायर की लेंथ 50 सेंटीमीटर बची हुई है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, आप कह लीजिए कि ये आर हो गया जो फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बची हुई है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कह लीजिए आप ये एस है, ओके। और उसके बाद में ये जो पी रेजिस्टेंस है वो फिर, ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप से ये जो वायर कनेक्टेड है रियोस्टेट का, ठीक है, इस ये ऑटो एडजस्टेबल होगा, ठीक है। इस वायर, ये एक वायर इस पर वाउंड है, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये वायर यहाँ तक ये जो लेंथ हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पी हो जाएगा। और उसके बाद में जो रियोस्टेट का रिमेनिंग पार्ट और ये इस इतने वायर का जो कनेक्शन होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसे हम कह देंगे वो एक क्यू रेजिस्टेंस है। सो इस तरह से ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह फॉर्म हो जाता है। और ये जो एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जैसे आप इसमें अगर फिगर में देखें तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ओके। सो ये एक जॉकी है, इसको हम स्लाइड कर लेंगे इस पर, और इस जॉकी के थ्रू ये गैल्वेनोमीटर हमारा कनेक्टेड है। ये देख लीजिए आप, ये इस तरह से ये
एक रेजिस्टेंस है वेरिएबल जो रजिस्टर्ड है उससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। ये बिल्कुल ये इस ये वाला पार्ट है कि इसमें अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में देन हम कह सकते हैं कि हमारा आप जो ये ब्रिज बन रहा है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क करेगा।